अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं सहर तस्कीन। आज हमारा 21st लेक्चर है स्केलेटल सिस्टम के बारे में। स्केलेटल सिस्टम हम देखेंगे, बेसिकली ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की हम बात करेंगे। द स्केलेटल स्केलेटल सिस्टम मेनली प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क एंड सपोर्ट्स द बॉडी। अगर स्केलेटल सिस्टम ना होता, हमारी बॉडी को सपोर्ट और स्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड करता? इट इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स इन एन अडल्ट ह्यूमन में जो है वो 206 बोन्स है। इट कंप्राइज बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स दैट कनेक्ट्स बोन्स एंड बोन्स टू मसल्स। द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड्स डेफिनेट शेप टू द बॉडी एंड प्रोटेक्शन टू इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स को किसी भी तरह के इंफेक्शन से बचाने के लिए, किसी भी तरह के सर्जरी इंजरी से बचाने के लिए जो है वो एक डेफिनेट शेप दी गई है। वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। एट द टाइम ऑफ बर्थ इन्फेंट्स हैव मोर बोन्स, इन्फेंट्स के जो है 300 बोन्स, विच ड्यू टू फ्यूजन इन सम ऑफ द बोन्स फॉर्म लार्जर बोन्स एंड 206 बोन्स रिमेन्स इन एन अडल्ट, इन अ ह्यूमन अडल्ट। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट कंसर्न्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द स्केलेटन एंड बोनी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। जो बोन्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं, जो माहिर होते हैं, उनको ऑस्ट्रोलॉजी कहा जाता है, ऑस्ट्रोलॉजिस्ट। खैर, उसके बाद फंक्शंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। इन द फॉलोइंग आर्टिकल वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंट फंक्शंस एंड डाइवर्स रोल्स द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम परफॉर्म्स। फंक्शंस ऑफ बोन्स, द 206 बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। सबसे पहले प्रोवाइड बोन्स प्रोवाइड शेप टू द बॉडी। बोन्स एक्ट एज अ प्रोटेक्शन टू इंटरनल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, हार्ट, लंग्स। बोन्स प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी एंड एंकर्ड मसल्स। बोन्स सर्व एज स्टोरेज स्पेस फॉर मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फेट। बोन्स हेल्प इन फैसिलिटेटिंग बॉडी मूवमेंट। बोन्स सर्व एज द बर्थ प्लेस फॉर रेड ब्लड सेल्स। देखें, इतने ज्यादा फंक्शंस जो है वो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम परफॉर्म कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद हम देखेंगे एक्सियल स्केलेटन, स्केलेटन की हम बात करेंगे। एक्सियल स्केलेटन बेसिकली क्या है? ह्यूमन स्केलेटन हैज टू मेजर डिवीजन। सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन, उसके बाद है अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं? द एक्सियल स्केलेटन इज मेड अप ऑफ 80 बोन्स, 80 बोन्स से मिलके बने हैं, एंड इट कॉन्स्टिट्यूट्स द मिडल एक्स। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग रीजन: स्कल, थायराइड, ऑटोट्री ऑक्सिकल, वर्टेब्रल कॉलम, ब्रिव, सटर्नम, जो ये सब हैं एक्सियल स्केलेटन में आ रही हैं। ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है? बेसिकली अपेंडिकुलर स्केलेटन, आउट ऑफ द 206 बोन्स प्रेजेंट इन द अडल्ट ह्यूमन बॉडी, अ टोटल ऑफ 126 नेम्ड बोन्स फॉर्म द अपेंडिकुलर स्केलेटन। में 126 द अपेंडिकुलर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द पेल्विक एंड पेक्टोरल गिल्डल्स एंड द बोन्स ऑफ द हैंड, फीट, लोअर एंड अपर एक्सट्रीमिटी, शोल्डर, गिल्डल एंड पेल्विक बोन्स, इन सब में जो है अपेंडिकुलर स्केलेटन में फॉल कर रही हैं। उसके बाद हम स्कल की बात करेंगे। स्कल की तो स्कल बेसिकली क्या चीजें हैं? स्कल की हम बात कर लेते हैं। द ह्यूमन स्कल कंसिस्ट ऑफ क्रेनियम एंड फेशियल बोन्स। द फंक्शन ऑफ द क्रेनियम इज टू प्रोटेक्ट द ब्रेन। क्रेनियम जो का फंक्शन है ब्रेन को प्रोटेक्शन का। इट इज फॉर्मड ऑफ 8 प्लेट दैट शेप बोन्स जॉइंट टुगेदर एट मीटिंग पॉइंट्स कॉल्ड सुचर्स। अलोंग विद क्रेनियम द रिमेनिंग 14 बोन्स फॉर्म द फेशियल बोन्स। जो रिमेनिंग 14 है फेशियल बोन्स। मैंडिबल इज द ओनली मूवेबल बोन इन द ह्यूमन स्कल। ठीक है, उसके बाद द मेन फंक्शन ऑफ द स्कल इज टू रेंडर प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। ऑफ कोर्स हम देख चुके हैं, इट डज सो अलोंग विद द सराउंडिंग मेनिंजीज। प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। जैसा कि हमने पढ़ा था ब्रेन वाले पोर्शन में, लेक्चर में, सेरिबेलम, सेरिब्रम एंड ब्रेन स्टेम इन एडिशन टू द ऑर्बिट्स ऑफ द आईज। स्ट्रक्चरल सपोर्ट इज प्रोवाइडेड फॉर अटैचमेंट्स ऑफ द मसल्स ऑफ द फेस एंड स्कैल्प। Additionally, it protects different vessels and nerves innervating the muscle, facial muscle, brain and other related parts. The skull hardens and fuses as it develops to safeguard its internal contents. Thyroid की हम अब बात करेंगे।
इट इज अ यू शेप्ड बोन लोकेटेड इन द एंटीरियर नेक. इट इज एन इंटरमीडिएट बिटवीन द स्कल एंड पोस्ट क्रेनियल स्केलेटन. द राइट बोन एड्स टंग मूवमेंट एंड स्वेलिंग. इट हैज नो आर्टिकुलेशन विद अदर बोन्स. ऑडिटरी ओसिकल नेमली मसल्स आइकस स्टेप्स आर थ्री बोन्स इन में मिडल ईयर में दैट आर द स्मॉलेस्ट बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी. द फंक्शन ऑफ ओसिकल आर ट्रांसमिट साउंड फ्रॉम द एयर टू द कोक्लिया. Ribs are the long curved bones which constitute the rib cage. The ribs consist of 24 bones in 12 pairs which form the protective cage of the thorax. The ribs protect the thoracic internal organs. They articulate posteriorly with the vertebral column and terminates anteriorly as cartilage. उसके बाद सर्टेनम की हम बात करेंगे. सर्टेनम और द ब्रेस्ट बोन इज अ लॉन्ग बोन प्लेस्ड एट द सेंट्रल पार्ट ऑफ द चेस्ट. द सर्टेनम एंड रिब्स मेक अप द रिब केज. द सर्टेनम अटैच टू द फर्स्ट सेवन रिब्स एंड आल्सो टू द क्लेविकल और कॉलर बोन. कॉलर बोन ये ब्यूटी बोन बोला जाता है इसको. वर्टिब्रल कॉलम की हम अब बात करेंगे. वर्टिब्रल कॉलम में है. द वर्टिब्रल कॉलम इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द एक्सियल स्केलेटन सिस्टम का पार्ट है वर्टिब्रल कॉलम भी. द वर्टिब्रल कॉलम इज अ द वर्टिब्रल कॉलम इज अ सेट ऑफ एप्रोक्सीमेटली 33 बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रा व्हिच आर सेपरेटेड बाय इंटरवर्टिब्रल डिस्क. इट इज डिवाइडेड इनटू फाइव कैटेगरीज जैसे कि सर्वाइकल है, थोरैसिक है, लंबर है, सैक्रम है, कोक्लियस है. ठीक है, ये सब आ रही है वर्टिब्रल कॉलम में. फंक्शंस ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम. फंक्शंस क्या है हमारे वर्टिब्रल कॉलम के. दे वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, प्रोवाइड स्टिफनिंग टू द बॉडी, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट बाय बैलेंसिंग द बॉडी वेट, प्रोवाइड अटैचमेंट टू पेक्टोरल एंड पेल्विक गिर्डर्स एंड अदर मसल्स. सर्वाइकल वर्टिब्रा क्या है. द सर्वाइकल इज द मोस्ट डेलिकेट एंड द thinnest bones of the vertebral column. The cervical vertebrae are formed of seven vertebrae. The seven cervical vertebrae are arranged along the length of the neck. They are named according to its position from the skull to the chest. The superior C1 or the first cervical vertebra to C7 or the seventh cervical vertebra constitute the cervical vertebrae. The C1 jo vertebrae are named as अल्टास हूज फंक्शन इज टू होल्ड अप द स्कल. स्कल को जिसने काबू करके रखा हुआ है काम है इसका. C2 इज नेम्ड एज एक्सिस सिंस इट सर्व्स एज द एक्सिस फॉर द स्कल एंड अल्टास टू रोटेट व्हाइल टर्निंग हेड फ्रॉम वन टू साइड टू अनदर. जैसे मैं घुमा रही हूँ इस तरह से. थोरेसिक वर्टिब्रा की हम बात करेंगे. हमने सर्वाइकल वर्टिब्रा की बात करनी है. थोरेसिक वर्टिब्रा इसमें जो है सबसे पहले आ रहा है. इट इज प्लेस्ड एट द मिड बैक ऑफ द ह्यूमन बॉडी. थोरेसिक वर्टिब्रा इट इज प्लेस्ड एट द मिड बैक ऑफ द ह्यूमन बॉडी. द मेन फंक्शन इज टू होल्ड द रिब केज एंड टू प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स को जो है वो थोरेसिक वर्टिब्रा कर रहा है सपोर्ट. द 12 थोरेसिक वर्टिब्रा आर नेम T1 टू T12. थोरेसिक वर्टिब्रा आर द यूनिक अदर वन अदर देन द रिमेनिंग वर्टिब्रा एज इट सपोर्ट्स द रिब्स. लंबर वर्टिब्रा दीज आर द लार्जेस्ट इन द वर्टिब्रल कॉलम एंड कंप्राइजेस ऑफ 5 वर्टिब्रा बोन्स बिटवीन द रिब केज एंड पेल्विस. द लंबर वर्टिब्रा आर नेम फ्रॉम L1 to L5. L1 is closest to the thoracic vertebra, whereas L5 is adjacent to the pelvis. The lumbar vertebra function as a load bearing structure. Sacral vertebra. The sacral vertebra consists of 5 vertebra bones which fuse together to form sacrum ka shakal ikhtiyar kar lengi. The sacrum is a long wedge shaped vertebra at the inferior end of the spine. It is very strong bone which supports the weight of the upper body as it spread across the pelvis into the legs. Coccyx vertebra ki agar hum baat kare to the coccyx vertebra are formed by the fusion of 3 to 5 rudimentary bones to form a small triangular bone at the bottom of the vertebral column. The coccyx vertebra are also referred to as the tailbone. भी बोला जाता है. कोक्केस सर्व एज एन अटैचमेंट साइट फॉर लिगामेंट्स को अटैचमेंट प्रोवाइड कर टेंडेंस को एंड मसल्स को. तो कोक्केस में फ्रैक्चर व्हेन अ पर्सन फॉल अब्रप्टली फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. अब हम अपेंडिकुलर स्केलेटन की अगर हम बात करें तो अपेंडिकुलर स्केलेटन इज द पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम दैट सपोर्ट्स द अपेंडेजेस. इट कंसिस्ट ऑफ 186 बोन्स इंक्लूडिंग द बोन्स ऑफ द लिम्स एज वेल एज सपोर्टिंग द पेल्विस एंड पेक्टोरल गिर्डर. द अपेंडिकुलर स्केलेटन इज डिवाइडेड इनटू 6 रीजंस में. शोल्डर गिर्डर है, आर्म्स एंड फोर आर्म्स भी अपेंडिकुलर स्केलेटन में आ रहे हैं, हैंड्स हैं, पेल्विस है, थाइज एंड लेग्स हैं, हमारे फीट एंड एंकल हैं, 6 टोटल. अब हम सबसे पहले शोल्डर गिर्डर की बात करेंगे.
द शोल्डर गिर्डर ऑफ द और द पेक्टोरल गिर्डर एक सेम ही है, इज अ सेट ऑफ फोर बोन्स विच कनेक्ट्स द आर्म ऑन ईच साइड. द पेक्टोरल गिर्डर इज पार्ट ऑफ द अपेंडिकुलर स्केलेटन विच आर फॉर द अपर लिम्ब इन ह्यूमन बींग्स. द पेक्टोरल गिर्डर कंसिस्ट ऑफ द स्कैपुला एंड द क्लेविकल. आर्म्स एंड फोर आर्म्स में क्या चीजें आ रही है, कौन कौन सी बोन्स आ रही है. द आर्म एंड फोर आर्म आर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ सिक्स बोन्स. द लार्ज बोन्स ऑफ द आर्म इंक्लूड ह्यूमरस, जो है वो लार्ज बोन है हमारे आर्म की. ह्यूमरस बंस फ्रॉम द शोल्डर सॉकेट एंड ज्वाइंस द रेडिस एंड अल्ना एट द एल्बो. एल्बो रेडिस इज अ फोर आर्म विच रन फ्रॉम द एल्बो टू द थंब साइड ऑफ द रिस्ट. अल्ना अ फोर आर्म विच रन फ्रॉम द एल्बो टू द पिंकी साइड ऑफ द एल्बो. उसके बाद हैंड्स की अगर हम बात करें, द हैंड्स कंसिस्ट ऑफ 54 बोन्स विच प्रोवाइड सपोर्ट्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द सॉफ्ट टिश्यू. देखो 54 बोन्स ज्यादा. द बोन्स ऑफ हैंड्स आर कैटेगराइज इनटू थ्री. कार्पल्स है, मेटर कार्पल्स है, फ्लिंचीज और फिंगर है. फिंगर ठीक है. कार्पल्स आर अ सेट ऑफ एट इररेगुलर शेप्ड बोन्स लोकेटेड इन द रिस्ट एरिया. मेटाकार्पल्स आर बोन्स विच आर रिलेटेड टू डिजी. देयर आर फाइव मेटाकार्पल बोन्स, एक दो तीन ठीक है. उसके बाद फ्लिंजीज आर द बोन्स ऑफ द फिंगर. देयर आर थ्री फ्लिंजीज, ये फ्लिंजीज हैं एक दो तीन ठीक है, जो मैं पहले देख रही थी. एक्सेप्ट फॉर द थंब विच हैज टू फ्लिंजीज ओनली थंब के अलावा. अब पेल्विक गिल्डर, द पेल्विक गिल्डर इज लोकेटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक. लोअर पार्ट में होगा, अपर पार्ट में नहीं होगा. इट इज अ रिंग लाइक बोनी स्ट्रक्चर. द पेल्विक गिल्डर कंसिस्ट ऑफ टू बोन जैसा कि सेक्रम और कोक्लियस. द पेल्विक गिल्डर इज फॉर्मड ऑफ पेयर्ड हिप बोन्स ईच मेड अप ऑफ इलियम ईसियम एंड ट्यूबियस. फंक्शंस ऑफ पेल्विक गिल्डर फंक्शंस. इट ट्रांसफर्स द वेट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सोस्केलेटन टू द अपेंडिकुलर कंपोनेंट्स स्पेशली ड्यूरिंग द मूवमेंट. प्रोवाइड्स अटैचमेंट फ्रॉम अ नंबर ऑफ मसल्स एंड लिगामेंट्स इनेबलिंग मूवमेंट. द मेजोरिटी ऑफ वुमेन हैव अ गिनाइड पेल्विस एंड मेल्स हैव अ एंड्राइड पेल्विस. द डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर क्रिएट्स अ ग्रेट पेल्विक आउटलेट इनेबलिंग द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ के दौरान. थाइज एंड लेग्स में द बोन्स ऑफ द लेग्स एंड थाइज आर पार्ट ऑफ द अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम विच supports the muscles of the lower limbs. These muscles help in जैसा कि walking में, running में, standing में and jumping में. These bones should be strong enough in order to support the body weight. Femur or thigh bone is the largest and heaviest bone in the human body at the proximal end of femur. There is a rounded prominence which is called as the head of the femur. अब हम tibia, femur जो longest bone है tibia की अगर हम बात करें. The tibia and fibula are the two long bones in the lower leg. They are two separate bones but are closely linked at the knee and the ankle. The top of tibia connects to the knee joint and bottom connects to the ankle joint. Although tibia carries all the body weight, it needs the support of fibula. Feet and ankles mein the foot is the firm platform which supports the weight of the body. It is formed of many bones such as the tarsals, metatarsals and phalanges. Feet and ankles mein. Tarsals जो है वो a set of eight irregular bones situated proximally in the foot in the ankle area. Metatarsals are set of five bones each one for a digit. These bones connect tarsals with the phalanges. Phalanges each toe has three phalanges, namely the proximal, intermediate and distal. अब tendons की अगर हम बात करें, tendons की the tendons joined bones to skeletal muscle. They are made up of connective tissue. Ligaments joined to bones together. They are also a type of connective tissue. Cartilage provides protection of bones at the joint from wear and tear. They are firm yet softer and flexible than bone. It forms a structural framework of many parts of the body. Air and nose and ribs, the bronchial tubes, etc. डिजीजेज रिलेटेड टू स्केलेटन सिस्टम से डिजीजेस कौन कौन सी हो सकती है अगर स्केलेटन सिस्टम प्रॉपर हमारा नहीं है. इसमें सबसे पहले ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि फीमेल्स को मीनोपोज स्टेज के बाद हो जाता है, 40 प्लस वाली फीमेल्स को, 45 प्लस वाली फीमेल्स को, 50 प्लस वाली फीमेल्स को. ऑस्टियोपोरोसिस इज द बोन रिलेटेड डिजीज इन विच द बोन डेंसिटी इज रिड्यूस्ड एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ बोन फ्रैक्चर. इन बोन फ्रैक्चर रिस्क जो है वो इंक्रीज हो जाता है. फेगियर डिजीज, इट इज अ क्रोनिक बोन डिजीज विच कॉज द अफेक्टेड बोन्स टू लार्ज एंड मिस हैपन्स. आर्थराइटिस ऑफ कोर्स, इट इज द इन्फ्लेमेशन कॉज टू द जॉइंट्स कॉजिंग डिफिकल्टी एंड पेन इन मूवमेंट्स एंड लिमिटिंग द सेम. ये तीन मेन डिजीजेस हैं, मेन डिजीजेस हैं जो स्केलेटन सिस्टम से रेलिवेंट है. ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम भी आसान है. अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम जो है वो जॉइंट्स की बात करेंगे, जैसे हम कह रहे थे अभी ठीक है. तो जॉइंट्स में जॉइंट्स क्या है ठीक है, कौन कौन से टाइप्स हैं, किस तरह मस्कुलर सिस्टम क्या है, विसरल मसल क्या है, कार्डिक मसल्स क्या है. तो हम इंशाल्लाह ये छोटा सा लेक्चर है इसको जो है हम कल कवर करेंगे. अभी जो आज का हमारा लेक्चर था वो था स्केलेटन सिस्टम के बारे में. इसकी जो आपने असाइनमेंट बनानी है वो आपने
असाइनमेंट बनानी है। आपने डिजीजेस तीन यहाँ पे मेंशन की हुई, वो नहीं आपने मेंशन करनी। आपने तीन और ऐसी डिजीजेस ढूंढनी है स्केलेटन सिस्टम से रिलेवेंट, और वो आपने जो है वो राइट डाउन करनी है। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।